हाय व्यूअर्स, मैं के स्टूडियो से आप सभी का। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स आए, बड़े बड़े लेजेंड आए, जिनको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सराहा और उनको उनके मुताबिक सम्मान भी दिया। अब आज की एक बड़ी खबर ये है कि बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के ज्वेलरी की तरफ से उनको दादा साहब फाल्के यानी नेशनल अवार्ड देने का फैसला किया गया। मिथुन चक्रवर्ती साहब को ये अवार्ड 8 अक्टूबर यानी इसी महीने 2024 को दादा साहब फाल्के नेशनल अवार्ड में दिया जाने वाला है। इस खबर को सुनकर जनता बहुत खुश है, मिथुन साहब के फैंस बहुत खुश हैं। सबसे बढ़कर ये कि वो ये चीज़ देखी जा रही है कि मिथुन साहब की इस अवार्ड को देने में जो ज्यूरी ने फैसला किया उसमें हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और ऐसा बहुत कम देखने में आया है। इस बात का रिएक्शन पब्लिक के सामने तो है, वो बहुत खुश हैं, उनके फैन बहुत खुश हैं, लेकिन उनके बेटे का बयान भी सामने आया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं अपने पिता को इतना बड़ा अवार्ड मिलने पर बहुत ज़्यादा खुश देखता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पिता ना सिर्फ एक सुपरस्टार हैं बल्कि एक महा इंसान भी हैं। खबर के मुताबिक बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के बड़े मुख्यमंत्री और ख़ास तौर पर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने भी मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिलने पर बहुत ज़्यादा बधाई दी और उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े लेजेंड हैं उनको इस तरह के अवार्ड्स मिलने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो लेजेंड अदाकार हैं जिनको जो भी करेक्टर दिया गया वो उसमें सूट कर गए। जहाँ तक उनके फैन फॉलोअर्स का ताल्लुक है तो उनके फैन फॉलोअर्स में अब तक कोई एक्टर उनको वो टक्कर ना दे सका, क्योंकि रूस, जापान, चीन और बहुत से दूसरे कंट्रीज में मिथुन चक्रवर्ती की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोअर्स लिस्ट है। अभी इस बारे में मिथुन चक्रवर्ती को भी जब इसका पता चला तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं इस काबिल नहीं समझता कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और जिस जगह से मैं हूँ, मेरा ताल्लुक है, वो एक छोटा सा इलाका है हिंदुस्तान का, लेकिन मैं अपने फैंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने मुख्यमंत्री ख़ास तौर पे मोदी साहब का जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना, दादा साहब फाल्के ज्यूरी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए नवाजा। मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि मैं अपने इस अवार्ड को डेडिकेट करता हूं अपनी फैमिली को और हिंदुस्तान की उस जनता को जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमने अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। ऐसी ही मजीद और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए मैके स्टूडियो।